पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जो हिंसा देखने को मिली है, क्या उसका सीधा रिश्ता केवल रामनवमी के त्योहार से था, क्या केवल एक ही दिन से था, या फिर इसका कोई सियासी कनेक्शन भी है? हम सवाल ये इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हाल ही में मुर्शिदाबाद में पड़ने वाली एक सीट पर सागर दिघी, वहां पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। ये जो सीट है, यहां पर अगर हम वोटरों की संख्या को देखें तो अल्पसंख्यक वोटर लगभग 60% होते हैं, और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी को उनका वोट पड़ता, यानी कि टीएमसी का कैंडिडेट वहां पर जीत हासिल करता। लेकिन इस सीट से जीत किसकी हुई? लेफ्ट समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार की। और इसीलिए सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो कुछ हावड़ा में चल रहा है ये भविष्य में होने वाले चुनावों को देखकर भी है? आपकी टीवी स्क्रीन पर अब 8 वीडियो है या 8 वीडियो पश्चिम बंगाल में गुरुवार और शुक्रवार को हुई पत्थरबाजी और हिंसा के आज तक इन वीडियोस की पुष्टि नहीं करता। ये वीडियो बीजेपी और टीएमसी की तरफ से एक दूसरे पर भड़काने के आरोप लगाकर जारी किए गए, जो बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी के अभिषेक बनर्जी सामने लाते हैं। सबसे पहले जानते हैं पश्चिम बंगाल हिंसा पर बीजेपी के वीडियो में क्या है। बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। पीछे टीवी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहते हैं। शुभेंदु एक सीडी लाए, दावा है जिसमें हावड़ा हिंसा से जुड़े वीडियोस हैं। बंगाल में बीजेपी की तरफ से दिखाए जा रहे पहले वीडियो में एक छत से पत्थर फेंकते लोग दिखते हैं, दावा है कि ये पत्थर नीचे शोभा यात्रा पर फेंके गए। बंगाल में बीजेपी की तरफ से जारी वीडियो नंबर 2 को आप देखिए, ये वीडियो भी गुरुवार का बताया गया। इसमें वीडियो ऊपर छत से बनाया जा रहा है, नीचे शोभा यात्रा के बीच में हंगामा दिखता है, आवाज बम या आंसू गैस के गोले जैसी आती है। आगे इसी वीडियो में एक तरफ शोभा यात्रा के आधे लोग दिखते हैं, बीच में पथराव करते कुछ लोग हैं, ये लोग रामनवमी पर शोभा यात्रा निकालते बाकी बचे हुए लोगों पर पत्थर चलाते नजर आते हैं। फिर बीजेपी की तरफ से जारी वीडियो में आवाज सुनाई पड़ती है। कितना अच्छा रैली जा रहा था, बताइए कितना शांति हुआ अचानक से। अचानक से पत्थर मारने लगा लोग सब के सब मिलके। हम लोग को, हम तो बच गए, आदमी हमको बचा के बोले तुम जाओ, पहले तुम जाओ, हम लोग रैली में जा रहे थे। अब ये तीसरा वीडियो पश्चिम बंगाल बीजेपी की तरफ से जो जारी हुआ देखिए, ये भी गुरुवार का बताया गया। इसमें भी उसी सड़क पर कुछ लोगों की तरफ से शोभा यात्रा निकालते लोगों पर पत्थर चलाते हुए दिखता है। ये चौथा वीडियो भी बीजेपी ने जारी किया, ये शुक्रवार का बताया जाता है, जब दिन में पत्थर चले हैं। अब जो कुछ वीडियो में दिखाई सुनाई पड़ता है आप भी देखिए और सुनिए। पुलिस आया हुआ था, पुलिस का 6 गायब है, सब तोड़ रहे हैं। ये रेफ वाले लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ तमाशा ही देख रहे हैं। पूरा हावड़ा बंद है, पूरा हावड़ा बंद हो गया है, सब दुकानें सब बंद हो गई है, सिर्फ पुलिस आ रही है, वो भी देख के सिर्फ चेहरा देख रही है, सिर्फ चेहरा देख रही है। भयंकर दंगा हुआ है, कितना लोग निकला है, पूरा बस्ती आ गया है। पहले हम तुमको खबर ला के दिया कि दो दो तीन तीन तल्ला तक फेंक रहे कांच का बोतल पत्थर, पूरा श्री अपार्टमेंट तोड़ेगा लगता है। मंदिर भी तोड़ रहा है, मंदिर में भी पत्थर और फेंक रहा है, अपना शंकर जी का मंदिर में। और ये जो राम जी का झंडा है ये भी सब तोड़ रहा है, और ये पुलिस रेफ कुछ नहीं कर रहा है। अब ये पांचवा वीडियो है, ये भी शुक्रवार का है। इसमें लोग दावा है कि हावड़ा के शिवपुर में अपार्टमेंट में रहने वाले नागरिकों के घरों पर नीचे पत्थर फेंक कर तोड़फोड़ कर रहे हैं। बीजेपी का पक्ष और वीडियो देखने के बाद अब आप टीएमसी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को देखिए, ये भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीवी स्क्रीन लगवा कर वीडियो जारी करते हैं। टीएमसी की तरफ से जारी ये पहला वीडियो, इसमें जय श्री राम का नारा सुनाई पड़ता है, पीछे आग लगी दिखती है, ये गुरुवार की हावड़ा हिंसा का वीडियो दावा होता है। आगे हाथ में धारदार हथियार लिए हुए एक शख्स नाचता नजर आता है। ये दूसरा वीडियो है, ये
ये भी टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने जारी किया। इसमें सिर पर भगवा गमछा बांधे एक शख्स को हाथ में रिवॉल्वर लिए दिखाया जाता है। दावा होता है कि ये आदमी शोभा यात्रा में शामिल किसी गाड़ी पर बैठा हुआ है। अब तीसरा वीडियो है, इसे भी टीएमसी ने जारी किया है। इसमें आग सामने लगी दिखती है, पीछे से जय श्री राम का नारा आता है। बारह सेकंड के बाद भगवा ध्वज लिए कुछ लोग दिखते हैं। वीडियो में सुनाई पड़ता है, जलाओ जलाओ सब जलाओ। कभी राम का पूजा कोई पिस्तौल लगा के करता है क्या, या डीजे बजा के करता है? राम 14 साल वनवास में गया, हमारे लिए तो वही राम है, हमारे लिए तो वही श्री राम प्रभु राम है। राम का पूजा थोड़ी ना डीजे बजा के किया जाता है, बंदूक टांग के किया जाता है। पिस्तौल का बात छोड़ दीजिए, जिसका हाथ में पिस्तौल है उसको आइडेंटिफाई करके उसका खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए स्टेट गवर्नमेंट, इसमें भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों की तरफ से जारी हिंसा के वीडियोस और आरोपों में एक दूसरे को ही वोट के लिए हिंसा करने देने, हिंसा भड़कने के लिए जिम्मेदार कहा गया। अगर ये सच है तो वजह क्या? क्या हिंसा की जमीन तैयार करने के लिए अपना अपना वोट बैंक छिटकने ना देने वाली राजनीति जिम्मेदार है? इस सवाल की पहली वजह समझिए। इसी महीने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में आने वाली एक विधानसभा सीट सागर दिघी पर उपचुनाव का नतीजा आया। ये वो सीट जहां 60% से ज्यादा अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जिस बंगाल में फिलहाल अल्पसंख्यक वोट सीधा ममता की पार्टी को मिलता आया, वहां सागर दिघी सीट पर टीएमसी का उम्मीदवार हार गया। लेफ्ट के समर्थन से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। तो क्या एक सीट के नतीजों को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखकर ममता को यह आशंका हुई कि मुस्लिम वोट उनका छिटक सकता है? क्या इसीलिए रामनवमी के दिन धरना देती प्रदेश की मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की कुर्सी संभालती ममता बनर्जी गुरुवार सुबह शोभा यात्रा निकालने से पहले चेतावनी देती हैं, शाम को हिंसा के बाद हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहराती हैं? मोने रखो, मिचिल अमराव करबे तुमराव करबे, रमजान मासो चलछे, रोजार मासो चलछे, एकटा मुस्लिम एरियाय गिया हमला करले मोने रखो तार बिरुद्धे आईन आईनगत पदक्षेप नेबे। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। শুনেছি হাওড়ায় ওরা এমনকি বুলডোজারও ইউজ করেছে। হোয়াট অডাসিটি দে হ্যাভ গট, রিপ্লাই তোমায় দেব, বিপিটিং রিপ্লাই। তোমার যে রুট ছিল সেই রুট তুমি চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথোরাইজ রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। एक मुख्यमंत्री का ये कहना कैसे सही हो सकता है कि शोभा यात्रा मुस्लिम इलाके से ना जाए? क्यों बिना जांच के तुरंत सीधे हिंदू संगठनों को ही जिम्मेदार मुख्यमंत्री ने ठहराया? क्या इसलिए ताकि मुस्लिम वोट को सीधा संदेश दिया जा सके? क्या हिंसा की जमीन तैयार करने के लिए अपना वोट बैंक मजबूत रखने वाली राजनीति जिम्मेदार है? इस सवाल की दूसरी वजह समझिए। 2019 में बीजेपी बंगाल की 18 लोकसभा सीट जीती, टीएमसी को 34 से 22 सीट पर बीजेपी ने ला दिया। जानकार कहते हैं कि राम नवमी की शोभा यात्राओं का भी इस जीत में बड़ा रोल रहा है। इस बार भी 30 मार्च से 6 अप्रैल तक वीएचपी बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने पश्चिम बंगाल में 2000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम की योजना बनाई। 1 करोड़ से ज्यादा राम भक्त ने काल सड़क पर थे। ए ममता बनर्जी अपने पार्टी ने फियर साइकोसिस के अंदर आ गया। ए लोग इतना दिन तक भगवान राम को नॉर्थ इंडिया का भगवान बनाया था, बंगाल का जनता ने भगवान राम को स्वीकार करते हुए काल बहुत धूमधाम से राम नवमी का उद्यापन किया है। इसलिए ममता बनर्जी एंड हर कंपनी यानी त्योहारी सियासत का दोनों पक्षों के लिए वो हथियार बन गया जहां जीतना वोट है, दांव पर समाज की सुख और शांति है। हावड़ा से इंद्रजीत कुंडू और सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक।